हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आटे का डोसा बनाने बताऊंगी। तो इसके लिए हम लेंगे आटा और अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, टमाटर, प्याज, और हमने ये मसाला पहले से ही तैयार कर रखा है। तो ये आलू से तैयार किया हुआ मसाला। तो पहले हम डोसे का बैटर बना लेंगे, जो बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाता है। हम एक बर्तन लेंगे और आपको, जैसे कि हमने छोटी कटोरी से दही ली है, अगर बड़ी कटोरी से बनाना है तो आप जितना दही लेंगे, पहले दही लेंगे, उसके बाद हम आटा डालेंगे। ये प्याज को हमने बारीक नहीं काटा है, मिक्सी में हल्का सा घुमा लिया है। तो बारीक काटने से कैसे है, वो थोड़ा मोटा रह जाता है, इसलिए दिक्कत होता है। ये हमारा कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर और ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, और फिर इसमें हम आटा डालेंगे। और इससे अच्छे से मिला लेंगे। तवे को जब हम चढ़ाते हैं तो पहले तवे में पानी और साथ में थोड़ा सा तेल। जब हमारा तवा ठंडा हो तभी इसमें पानी और तेल आप अच्छे से मिला लें। और मिलाकर गैस को ऑन करके इसे गर्म होने दें। इससे क्या होगा कि अच्छे से जब तवा गर्म हो जाएगा तो आपका कोई भी डोसा चिपकेगा नहीं। और अभी हम इस बैटर को तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा पानी भी लगेगा, तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल दे रहे हैं और इसे अच्छे से हाथों से ऐसे मिला लेंगे। इसे बहुत पतला नहीं करना है, इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। और अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, तो मिलाने के बाद हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि हमें अंदाज मिल जाए कि आटा हमारा कितना डाले और नमक कितना डालना है। तवा गरम होने देते हैं, फिर इसे हम बनाते हैं। हम इस तरह से रखकर इसे ऐसे हल्के हाथों से पानी लेकर इसे ऐसे बिठाते जाएंगे और फिर ये बीच में पकड़ लेता है, तब हम इसे धीरे धीरे ही फैला देते हैं। थोड़ा सा मोटा बनता है पर बहुत ही टेस्टी बनता है। खट्टी दही का क्या यूज, या तो फिर आप दही का कढ़ी बना लो, या कढ़ी बनाने के लिए अगर दही ज़्यादा खट्टी हो जाती है तो नहीं खाने की इच्छा होती। पर ये जब हम इस तरह से आटे का डोसा बनाकर खाते हैं दही मिलाकर, तो काफ़ी टेस्टी भी लगता है। और सुबह आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में घर पे या टिफिन में भी ले मतलब दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से सेव दे लें। इसे आप कलछी या छोलनी से भी बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मैं हाथों से ही बना लेती हूँ।
उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा तेल और गैस को हम तेज कर देंगे। जब गैस का फ्लेम तेज हो जाता है तो इसे ऐसी तरह से पलट देंगे। इसे पलट कर भी पकाना है और एक बर्तन से ढक देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे, फिर इसके ऊपर हम मसाला लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पिंक हो गया, इसे हमने दोनों साइड से पका लिया है। और इसमें आप इस तरह से मसाला डालकर, आप चाहें तो इसे प्लेन भी खा सकते हैं और ये मर्जी है तो आलू डाल के भी खाएं। अगर आलू जिनको नहीं खाना है, इसीलिए हमने आटे का डोसा बनाया, चावल भी कुछ लोगों को खाना मना रहता है, तो आप इस तरह से खा सकते हैं। और इसके लिए सांभर और चटनी बनाने की जरूरत नहीं है, इसे आप प्लेट में ले लें और कुछ इस तरीके से रस वाली सब्जी या फिर चटनी इसके साथ भी किसी को सर्व कर सकते हो और खा सकते हो। धन्यवाद।